हाय एवरीवन आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ। मैंने इस चैप्टर की दो वीडियोस पहले डाल चुका हूँ, ये थर्ड वीडियो है। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉनकेव मिरर में इमेजेस किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज का साइज़ कैसे बनेगा, ठीक है, इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, ये सारी बातें बताऊंगा मैं आपको आज, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा होता है ना, तो उस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज, मतलब कोई भी जब लाइट्स पर टकराती है और टकरा के उससे जो रेज निकलती हैं, वो चारों तरफ, ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी। सपोज़ कर ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कुछ रे यू जा रही हैं, कुछ यू जा रही हैं, कुछ नीचे की ओर, समझ रहे, ऊपर हर सब जा रहे हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने रखोगे तो, और सपोज़ करो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, तो होता क्या है, सारी की सारी रे आप जो होता है वो पैरेलल आती, कैसे आती हैं, पैरेलल। और आपको पता होना चाहिए एक बात कि आपका जो कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर है, तो जब ये पैरेलल रे आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद कहाँ से पास होती हैं, दिख रहा होगा आपको, दोनों रे फोकस से पास होती, देखो ये रे आ रही है, आई इस सरफेस से टकराई, टकराने के बाद कहाँ से पास हुई, फोकस से, और ये वाली भी फोकस से, और कहाँ मिल रही दोनों, एट एफ, तो इमेज कहाँ बनेंगी, एट एफ पे, ठीक है ना। तो ये याद रखना, बेसिकली हाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, हमेशा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से। और रही बात ये इस तरफ ही क्यों हुआ, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। और अभी पढ़ोगे कन्वेक्स जो मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, और आप पढ़ लो जरा क्या कहना चाह रहा है, व्हेन लाइट रे फ्रॉम इन्फिनिटी, जब भी कोई लाइट की रे इन्फिनिटी से आती है, आफ्टर जब उस स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर, दे मीट एट द फोकस, कहाँ मिलते हैं दोनों, फोकस पे। उसके बाद व्हेन रे मीट एट वन पॉइंट वी हैव कन्वर्जेंट बीम, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो हम उसे कन्वर्जेंट बीम कहते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब आगे कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, क्योंकि जो भी लाइट की रे होती है उसे क्या करती है, पास लाती है, तो इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो जाइए, अब ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, मैंने यहाँ पे दो दो रे दिखाई है, सपोज़ करो ये है, ये जो है ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, तो चूंकि ये डाइवर्जेंट मिरर है, तो ये क्या करेगा, ये इस लाइट की रे को इस तरफ भेजेगा और ये इस लाइट की रे को इस तरफ, पर आप देख रहे होंगे दोनों रे अपोजिट, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा कि आगे जाकर कहीं मिलेंगे, तो हम इसे कहते हैं पीछे की ओर एक्सटेंड करवाते हैं, जब इन्हें पीछे की ओर एक्सटेंड करवाते हैं तो ये कहाँ जाके मिलती है दोनों, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस पे, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, मेन ये था कि ये आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर है, और वो जो होता है वो कॉनकेव वो कन्वर्जिंग मिरर है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है, आपको चार रूल याद करने पड़ेंगे, चार रूल क्या, कि जब रे यहाँ से पास होगी तो क्या होगा, उस साइड ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आगे आइए, तो सबसे पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो आपको दिख रहा होगा ये रूल, पढ़ना गौर से था, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम बात करते हैं कॉनकेव की, तो गौर से डायग्राम देखना, आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ से पास होती है, आपको एरो दिख रहा होगा, ये एरो शो कर रहा है इस तरफ और ये एरो शो कर रहा है इस तरफ, कहाँ से पास होती है, वो फोकस से पास होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वो है रूल जो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब अगर आपको ये रूल क्लियर होंगे तभी आप इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, तो ये हो गया कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, इसमें आपको पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका कौन सा साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो जब ये रे ऐसे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी रे इस तरफ जाती है, मतलब क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है
तो ये इस रे को उस तरफ भेजेगा। पर क्योंकि रूल के हिसाब से ये होगा क्या, आपको पीछे मतलब कहाँ से पास होना चाहिए, फोकस से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आपका पहला रूल क्या था, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होती है, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या है देखते हैं, सेकंड रूल क्या बोलता है, गौर से पढ़ना। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जब भी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है ऑफ अ कॉनकेव मिरर और रे विच डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब ये, जब भी कोई रे, अब इस डायग्राम को देखो, ये आपको रे दिख रहा होगा आ रही है, अब ये रे कहाँ से पास हो रही है, इस फोकस से। तो ये बताना चाहता है जब भी कोई रे फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, या ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे टकराने के बाद ये रे कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दिख रहा होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, तो ये रूल है। उसी तरह से आप देखेंगे कॉन्वेक्स में, तो आपकी रे ऐसे आ रही है कहाँ से पास, बेसिकली हाँ ये रे, ये रे, ये रे आ रही है कहाँ से, फोकस से, अभी कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखेंगे थर्ड केस, थर्ड केस में क्या होता है, गौर से ये देखिए, पहले क्या बोल रहा है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ये कैसा, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चल जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम देखो जरा, आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये, कि जैसे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, आपकी लाइट की रे ये आ रही है, आने के बाद जब ये सी से पास होती है तो जैसे आती है और जब ये रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस एंगल से आती है उसी रास्ते वापस चली जाती है, ठीक है ना। ये देखिए ये कॉन्वेक्स में ये केस है, तो समझ में आ गया, वो तीन रूल हो गए। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये है कि अगर कोई लाइट की रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी आ रही है और ये बिल्कुल पोल पर टकरा रही है, तो जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती है उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होते हुए, ठीक है। तो पढ़ते हैं, रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली, जिस जैसे आई है उतना जिस एंगल से आई उस एंगल बना के, दिस रे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं बता रहा हूँ ना, जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल बना के वापस चल जाती है, तो मतलब I इक्वल टू R। तो ये आपके चार रूल कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये चार रूल क्लियर होंगे तभी आप इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है ना। तो बाकी अब आते हैं कि फर्स्ट पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है, ठीक है।